दोस्तों फाइनली Xiaomi तैयार है इंडियन मार्केट में अपने Redmi Note 12 Pro 5G को लॉन्च करने के लिए। इसका इंडिया लॉन्च जो है Redmi इंडिया द्वारा ऑफिशियली कंफर्म करा जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करने जा रहा हूँ Redmi Note 12 Pro 5G के बारे में कि आखिरकार इसकी स्पेसिफिकेशन इंडियन मार्केट के लिए क्या होने वाली है। कुछ स्पेक्स जो है कंपनी के द्वारा ऑफिशियली कंफर्म करा जा चुका है वो बताऊंगा इस वीडियो में आपको। इसकी प्राइसिंग बताऊंगा क्या कुछ प्राइस पॉइंटिंग पे इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है और इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होने वाला है वो भी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो इन टोटल आज इस वीडियो को ऑलमोस्ट हाई जानकारी देने वाला हूं Redmi Note 12 Pro 5G से रिगार्डिंग। तो बस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Redmi Note 12 Pro 5G के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस वाला OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट लाकर दिया जाएगा। एंड हां दोस्तों, यहां पे आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, कोई भी कर्व डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। सामने की तरफ जो है पंचोल स्टैंडिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। बैक की तरफ बात करते हैं, यहां पे काफी दमदार यूज करा गया है कैमरा, प्राइमरी कैमरा यूज करा गया है 50 मेगापिक्सल का, जहां पे आपको सोनी का IMX766 वाला कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जो कि गेस व्हाट गाइस, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है। जी हां दोस्तों, OIS यहां पे हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात निकल कर आती है भैया। एंड यहां पे सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा। थर्ड कैमरा सो कॉल्ड 2 मेगापिक्सल का चिप दिया जाएगा। एंड यहां पे हम बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की, तो 5000mAh की बैटरी होने वाली है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। एंड गेस व्हाट गाइस, यहां पे जो आपको 67W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। एंड प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर भी यहां पे अच्छा खासा यूज करा जाएगा। जी हां, MediaTek की तरफ से Dimensity 1080 चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि नो डाउट एक बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट है और बहुत ही ज्यादा अच्छा चिपसेट है, जो कि 5G मॉडेम को सपोर्ट करता है, इसके कारण ये स्मार्टफोन जो है 5G बन जाता है। एंड यहाँ पे जो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएंगे, 3.5mm जैक देखने को मिल जाएगा, डुअल सिम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, आईआर ब्लास्टर वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन जो है MIUI 13 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। यहाँ पे थोड़ा हम मतलब विश कर सकते हैं, मना सकते हैं भगवान से कि काश एंड्रॉयड 13 मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो एंड्रॉयड 13 मिलते तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, बट अभी तक कलीग्स के अकॉर्डिंग एंड्रॉयड 12 ही बताया जा रहा है कि एंड्रॉयड 12 भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। एंड इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस आपको देखने को मिलने वाली है 7.9mm के, एंड इसका जो वेट है वो 187 ग्राम का होने वाला है। तो ये रही स्पेसिफिकेशन की कहानी Redmi Note 12 Pro 5G की। अब दोस्तों अगर मैं आपसे इसके सबसे पहले चलिए इंडिया लॉन्च के बारे में बात कर लेता हूँ, तो ऑफिशियली कन्फर्म करा जा चुका है Redmi इंडिया के द्वारा, जहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं वहाँ पे क्लियरली मेंशन है OIS 50 मेगापिक्सल और Redmi Note 12 Pro 5G। तो ये ऑफिशियली कंफर्म करा चुका है। डेट देखिए क्या लिखा गया है, 5 जनवरी। जी हाँ, 5/1/2023। तो यानी 5 जनवरी को ये स्मार्टफोन जो है इंडिया मार्केट में दस्तक दे देगी, इंडिया मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी। एंड अगर मैं आपसे इसके प्राइस पॉइंट के बारे में बात करूँ, तो ये स्मार्टफोन की जो आप मांगा चलिए अप्रॉक्सिमेटली 20,000 के आसपास आपको प्राइस पॉइंट देखने को मिलेगी। जी हाँ, Redmi पूरी कोशिश करेगा कि इसको बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रखने का। तो हाँ, 20,000 के अंदर इसकी प्राइसिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था Redmi Note 12 Pro 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ जाइए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।